देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1.25 लाख 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा। आज 1,500 से ज्यादा एफपीओ के लिए, हमारे किसानों के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। आज ही देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया गोल्ड भी शुरू किया गया है। इनके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य मॉडल स्कूल का उपहार भी मिला है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को और खासकर मेरे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है वो किसानों के खर्चे कम करने के लिए, उनके खर्चों में हाथ बटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। आज की 14वीं किस्त को जोड़ दें तो अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए, 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे गए हैं। इन पैसों ने छोटे छोटे अनेक खर्च निपटाने में किसानों की बड़ी मदद की है। हमारी सरकार कैसे अपने किसान भाइयों के पैसे बचा रही है, इसका एक उदाहरण यूरिया की कीमतें भी है। और देश भर के किसान मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। आप जानते हैं कोरोना की कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई, उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पाथल हो गई, खास करके फर्टिलाइजर के क्षेत्र में तो तूफान मच गया। लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने किसानों पर नहीं पड़ने दिया।